नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम में, आपका स्वागत है। ग्रीटिंग बलिया। सलेमपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनावी जनसभा आज बलिया में बेलथरा रोड पहुंची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से कांग्रेस व राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए बड़े बड़े बयान दिए। हमारे दो सम्मानित विधायक आदरणीय संजय जी, आदरणीय धनंजय जी, मंचस्थ जिला के अध्यक्ष आदरणीय विनोद दुबे जी, भाजपा के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी कर्मठ पदाधिकारी, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ साथ आज हमारे प्रत्याशी एवं आपके सांसद रविंद्र जी को अपना आशीर्वाद देने आई सही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। तो न्यायालय में एफिडेविट देते हैं कि प्रभु राव का अस्तित्व नहीं है, और जब चुनाव आता है तो अपने लिए जनेऊ लेकर घूमते हैं। आज इन पाखंडियों के साथ न्याय करने का समय आया है। जनता ने ठाना है कि 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है, महामिलावट को हराना है और रविंद्र कुशवाहा को जिताना है। ये संकल्प आज जनता जनार्दन ले चुकी। ये संकल्प क्यों लिया जनता ने? क्योंकि साल 2014 में भ्रष्टाचार से त्रस्त भारत ने निर्णय लिया कि पाखंडियों को अगर इंसाफ तक पहुंचाना है तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। यह निर्णय क्यों लिया जनता ने? क्योंकि 2014 के वर्ष में जनता विकास के पथ पर चलने के लिए संकल्पित थी और इस जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया। आज भारत इस बात का गौरव कर सकता है कि पहली बार हिंदुस्तान ने प्रधान सेवक देखा ऐसा जिसने गरीब माताओं बहनों के सम्मान में 10 करोड़ परिवारों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाकर दिखाया। जो एक गरीब की रसोई में चूल्हा फूंक कर छाती में धुएं को भरकर खांसते खांसते मर जाती थी, आज उसी मां के चेहरे पर संतोष है। 7 करोड़ परिवारों में मोदी ने उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। ये वो भारत है जो इस बात पर अभिमान कर सकता है कि मोदी के राज में न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी इतनी कि अंतरिक्ष में चलने वाले सैटेलाइट को भी ढेर कर धरती पर उतारा। ये ताकत हिंदुस्तान की है और ये आशीर्वाद जनता ने नरेंद्र मोदी को दिया। और मोदी ने इसके एवज में इन महामिलावटी पाखंडी लोगों से क्या क्या सहा, भद्दी गालियां सही, अपनी बूढ़ी माँ का अपमान सहा, आए दिन लज्जित करने का प्रयास देखा। आज मैं आपसे कहने आई हूँ कि लोकतंत्र के इस उत्सव में अगर मोदी की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो निर्धन गरीब परिवार ताकत है जो असहाय था कांग्रेस के राज में, और अब मोदी के रूप में एक बेटा एक भाई को पाया है। इसलिए इस नागरिक ने निर्णय किया है कि वो मोदी के संग जाएगा, 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर कमल का बटन दबाएगा और एनडीए की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, रविंद्र जी को देश की संसद में ले जाएगा। इस पुण्य भूमि में ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस पुण्य भूमि से हुंकार उठी थी आजादी के लिए। आज आजाद हिंदुस्तान में शायद जनता ने पहली बार ये दृश्य देखा कि देश के बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता के गुरु ने कहा कि अगर कांग्रेस के राज में निर्दोषों का नरसंहार
हुआ तो हुआ। आज रविंद्र जी आपसे मात्र एक ही निवेदन करती हूँ, राहुल जी तो दुर्लभ दर्शन देते हैं अमेठी में, कभी आपको मिल जाए तो उनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने 84 के दंगों में जिन निर्दोषों को मौत के घाट उतारा, उनके परिवारों के जख्मों पर नमक क्यों छिड़का, यह कहकर कि अगर निर्दोष मरा तो मरा, क्या हुआ। रविंद्र जी आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको कभी राहुल गांधी मिले तो उनसे पूछिए, जीजा ने जमीन लूटी तो लूटी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में साले साहब भी जमीन से प्रेम कर बैठे, ऐसा क्यों। फिर रविंद्र जी ने मुझसे कहा, दीदी हमको मिलेंगे कहाँ, 5 साल में एक बार आएंगे फिर इटली चले जाएंगे। इसलिए आज आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन्हें देश मात्र चुनाव में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति ऐसी पार्टी को वोट देकर अपना वोट नष्ट ना करें जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे, 19 तारीख को आए, कमल का बटन दबाए, नरेंद्र मोदी की फिर एक बार सरकार बनाए। आज ये निवेदन लेकर आपके मन